हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। तो आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट, जहां पर हम आज बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की। स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग नहा धो लिए होंगे। यार 9 बजे अब तो नहा धो लिया करो, फ्रेश होकर करंट अफेयर्स जो हमारा शो है उसे हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 30 जुलाई करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए। फेल होना, फेल हम होते हैं, लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेशन है कि हमें पास होना है, हमें SBI में सिलेक्शन लेना है, LIC में सिलेक्शन लेना है, रेलवे में, SSC में, व्हाटएवर एग्जाम, अगर हमारे अंदर वो जिद है तो फेल्योर तो ठीक है, फेल्योर टेम्पररी है। आप परमानेंट है, आपके अंदर की जिद परमानेंट है, आपके अंदर की आत्मा परमानेंट है, आपके माता पिता का आशीर्वाद परमानेंट है। इतनी सारी चीजें अगर आपके साथ हैं कंबाइंडली पॉजिटिवली, मैं भी आपके साथ हूं, तो फेल्योर तो अकेला है ना, फेल्योर अकेला है, वो अकेला ही रहेगा। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर डेडिकेशन आपके अंदर रहेगा। मैं ऐसे थोड़ी ना बोलता हूं, जिद है तो जिद है। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और रॉकस्टार बोल रहा है कि 12 PM नहाते हैं हम सर, बहुत गलत काम करते हो। चलो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। मेरे बारे में आप लोग जान चुके हैं बहुत बार। स्टार्टिंग करते हैं अपने लाइव स्केड्यूल की। तो 9 to 10 फॉर करंट अफेयर्स एंड 10 to 11 फॉर मिसलेनियस टॉपिक MCQs, ये सब, ठीक है। सबसे पहले बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। अगर हमारा पेड बैच आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी करें, बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी करें, ये है उसके चार्जेस। और आपको ध्यान देना है, देखिए ये है AM Live जो एक कोड है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इस कोड के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो AM Live हमारा जो ये 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए AM Live इस कोड को मत भूलिएगा कभी, ठीक है। इस कोड को यूज करना है आपको। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो कोई भी अगर हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसे आप रेफर कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे आज के अपने करंट अफेयर्स की विथ नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में हम कौन सी न्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, देखिए। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए यहां पर, तो नेपाल इन्वाइटेड एस गीता महोत्सव 2019 पार्टनर कंट्री। और ये पार्टनर कंट्री किसको बनाया गया है, तो पार्टनर कंट्री नेपाल को बनाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, नेपाल, ठीक है। IAS के बारे में हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है। तो इंडिया ने नेपाल को गीता महोत्सव के लिए एज ए पार्टनर कंट्री इन्वाइट किया है। आपको पता है कि हरियाणा कॉन्टिन्यूअस पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल को होस्ट कर रहा है, और हरियाणा हमेशा एक पार्टनर कंट्री, एक कंट्री को पार्टनर अपना बनाता है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं, देखिए। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, इन्होंने नेपाल के अम्बेसडर जो इंडिया में है, इनका नाम है नीलांबर आचार्य, इनको इनविटेशन दिया है। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो इन्होंने 2019 इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव के लिए नेपाल को इनवाइट किया है एज ए पार्टनर कंट्री। ये इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव दिसंबर 3 to 8 2019 कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगा। देखिए तो कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, मैंने क्या बोला, नेपाल के अंबेसडर इंडिया में, इनका नाम क्या है, नीलांबर आचार्य, एक ये न्यूज। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो खट्टर जी हैं। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा, कब, दिसंबर में किया जाएगा। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से लर्न होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम पढ़े, देखिए, खट्टर मेड हिज ऑफर टू नीलांबर आचार्य अंबेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा है, बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, माइंड ब्लोइंग, जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर द लास्ट थ्री ईयर हरियाणा हैड बीन सेलिब्रेटिंग गीता जयंती महोत्सव, एंड एवरी ईयर अ कंट्री इज इन्वाइटेड टू बिकम अ पार्टनर कंट्री फॉर दिस महोत्सव। ये क्लियर है हमें, देखिए। अभी इसी साल फरवरी 2019 में मॉरिशस ऑर्गेनाइज्ड गीता महोत्सव, एंड इट विल बी हिल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम में भी ये हो रहा है अगस्त 7 to 9 2019। यानी इस साल की हम बात करें, मॉरिशस अपने कंट्री में अलग से सेलिब्रेट कर चुका है, और यूनाइटेड किंगडम में इस बार अभी अगस्त में होने वाला है गीता महोत्सव। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, जो कि हमारे देश में होता है, हरियाणा में होता है, हम उसकी ही बात कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दिया जाएगा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में। PDF को जरूर देखिए, इससे अच्छा PDF आपको नहीं मिलेगा। जितनी इंफॉर्मेशन एक दिन की हम आपको देते हैं, उतनी इंफॉर्मेशन कहीं आपको नहीं मिलती है।
ठीक है। आइए तो अबाउट हरियाणा, हरियाणा के स्टैटिक पॉइंट की बात कर ले तो हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। कौन कौन से नेशनल पार्क हरियाणा में हैं? तो एक है कलेसर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर एक शहर है उत्तर प्रदेश में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुल्तानपुर अगर उत्तर प्रदेश में है तो यह शहर उत्तर प्रदेश में है तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में होगा। आप लोग रीजनिंग लगाते हो लेकिन रीजनिंग दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। सभी कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, है ना? तो वहां यहां पर रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है जो कि आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। आराम से आज के आज लर्न कर लीजिएगा। अगर आप आज लर्न कर लेंगे तो एक स्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ये ध्यान देना इस चीज को, इस तरह याद करते हैं हम लोग। नेपाल की बात करें तो कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपया, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें केपी शर्मा ओली। डिफेंस एक्सरसाइज, तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम बेटा क्या है? सूर्य किरण, आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य किरण। और इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 17,1758 किलोमीटर। ध्यान रहे हर टॉपिक के बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके रिवीजन करने के लिए। तो आई थिंक इसके बाद एक क्वेश्चन होगा। जी हां, क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेशनल अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। विच हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बाई प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया। यानी हमारे देश में वो कौन सी ट्रेन है जो पहली ट्रेन है जो कि प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में रन कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। तुषार, अभी मेरी 10 o'clock पर SBI क्लर्क के लिए क्लास है तो वहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। LIC ADO आपको देना है एक ही दिन एग्जाम है या क्लर्क मींस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और आपको क्या देना चाहिए मैं आपको समझाऊंगा, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर यहां पर आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। और आंसर का मतलब क्या है? दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। तो दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस इज राइट आंसर, ठीक है। हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन भी मिलेगा, ध्यान देना इस चीज को। चलो अब समिट इवेंट और मीटिंग की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नेशनल अफेयर्स पे था, अब दूसरा पॉइंट की हम बात करें, समिट इवेंट और मीटिंग की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है। चलिए तो ब्रिक्स, आपको पता है ब्रिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ये क्या हो गया, अंधेरा कायम क्यों है यहां पर? तो अगर आ गया तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो देखिए 2018 में ब्रिक्स का 10th समिट था, ब्रिक्स का 10th समिट था और ये 10th समिट साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2019 में जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है वो 11वां समिट है और वो कहां पर हो रहा है? ब्राजील में। एंड 2020 में ब्रिक्स का 12th समिट है, वो कहां पर होगा? रशिया में। पहले तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे। 2019 वाला जो ब्रिक्स समिट है वो कौन सा समिट है? 11th, और कहां पर होगा? ब्राजील में, ये याद रहेगा। तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2019 हिल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। जरा मुझे ब्राजील की कैपिटल बताओ, जरा सा मुझे ब्राजील की कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस दिन मैंने आपको वेनेजुएला के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने आपको ब्राजील की कैपिटल एंड करेंसी दोनों बताई थी। कमेंट फास्ट, ठीक। तो ब्रिक्स की हम बात करें, ब्रिक्स का मतलब क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्राजीलिया है कैपिटल। करेंसी भी मुझे चाहिए आपसे, करेंसी भी मुझे चाहिए। तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2019 हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील, ब्राजील में हुआ। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, फॉरेन मिनिस्टर मीट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। लेकिन एक बात समझिएगा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जिन्हें हम एक्सटर्नल मिनिस्टर कहते हैं? जयशंकर जी हैं, लेकिन जयशंकर जी इस मीटिंग में नहीं गए थे। तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, आइए हम उसकी बात भी करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहां पर हुई? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई। एक पॉइंट आपको ये रियल REAL, ठीक है। देखिए इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई जनरल रिटायर्ड वीके सिंह। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर वीके सिंह ने। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो वीके सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? वीके सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्योंकि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी।
ये स्टेट मिनिस्टर हैं। तो वीके सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई ब्राजील में उसमें, तो ये ध्यान देना, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वीके सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, द 11th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाई ब्राजील जो हम पढ़ रहे हैं, और 11th समिट कब हो रही है, ये 2019 में हो रही है, तो ये आपको पता ही है 2019, ठीक है। रशिया की बात करें, रशिया विल होस्ट द 12th ब्रिक्स समिट, तो रशिया की बात करें, रशिया विल होस्ट द 12th ब्रिक्स समिट इन द समर ऑफ 2020। तो 11th समिट कहां हो रही है 2019 में, ब्राजील में हो रही है, आप देख रहे हैं, और रशिया जो है 12वीं समिट को होस्ट करेगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ही छोटे पॉइंट से बनते हैं और हम ये छोटे पॉइंट भूल जाते हैं, हम बड़े बड़े पॉइंट ही लर्न करके जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किंगकॉन बोल रहे हैं कि थीम है स्टॉप टेररिज्म फंडिंग, वेरी गुड किंगकॉन, आपका नाम भी बड़ा है और आप भी बड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर अबाउट ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले 2006 में सोचा गया था, लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, केवल BRIC था, ब्रिक था, लेकिन बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया। ब्रिक ऑफिशियली 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, तो साउथ अफ्रीका कब एड ऑन हुआ, 2010 में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिक्स में सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सा ज्वाइन किया था, साउथ अफ्रीका, कब किया था, 2010 में किया था। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है सार्क, सार्क नाम सुना आपने, सार्क में सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सा है, तो वो अफगानिस्तान है। तो ब्रिक्स एंड सार्क, इस पर ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन बन गए जो कि आपको लर्न करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज, लेकिन कौन सा टॉपिक, वही समिट इवेंट मीटिंग में, और हम बात करेंगे 36 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की ये कौन सी मीटिंग थी, ये आपको लर्न करना जरूरी है। तो जीएसटी काउंसिल की 36 मीटिंग थी और ये कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो राइट नाउ निर्मला सीतारमन जी हैं। तो निर्मला सीतारमन जी के चेयरमैनशिप में ये 36 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मीटिंग में कौन कौन से डिसीजन लिए गए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 36 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। 36 मीटिंग थी, कहां पर हुई, दिल्ली में हुई। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको याद होगा, ठीक है। आइए इस मीटिंग में कौन कौन था, इस मीटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे, हम इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। देखिए तो इट वॉज अटेंडेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, अनुराग ठाकुर से पहले हमने वीके सिंह की बात की थी कि वीके सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, और अभी हम बात करें अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, उसके साथ देखिए हमारे देश का रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है अभी, तो हमारे देश का रेवेन्यू सेक्रेटरी है मिस्टर अजय भूषण पांडे, ये भी आपको याद रखना है, एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिस्टर अनुराग ठाकुर, इन लोगों ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए की पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या यार, तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है वो समझ लीजिए। देखिए जीएसटी काउंसिल को चेयरमैनशिप करती हैं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, इसके बाद बेटा हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं, बिकॉज स्टेट को भी तो अपनी बात रखनी का हक है। इस दो जीएसटी का मतलब क्या है यार, पहले जीएसटी नहीं था, पहले बहुत सारे टैक्स थे, जैसे वैट था, मॉड वैट था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन सबको खत्म करके जीएसटी में कंपाइल कर दिया गया। तो स्टेट की अर्निंग का सोर्स भी खत्म हो गया उन सब टैक्सों से, तो इसीलिए जीएसटी में जीएसटी काउंसिल बनाया गया, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी बात रखने का काम किया जाए। तो जीएसटी काउंसिल मिलकर कुछ चेंजेस करती है हमेशा। आइए बात करते हैं, देखिए क्या क्या चेंजेस हुए 36 मीटिंग में। तो जीएसटी रेट की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो पहले जीएसटी 12% था उसको कम करके 5% कर लिया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी को 12% से 5% कर दिया गया। और इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कार चलाता हूं, मुझे पेट्रोल भरवाना है, आपके पास पेट्रोल टंकी है, तो मैं आपके पास जाता हूं पेट्रोल फ्यूल भरने के लिए, लेकिन आप अगर कहीं से परचेस करते हो तेल, तो आपको भी तो टैक्स देना पड़ता है।
तो क्या बोला गया कि जो चार्जर और चार्जिंग स्टेशन हैं उन पर भी जो जीएसटी पहले 18% था उसे कम करके 5% कर दिया गया है। तो मतलब ध्यान से, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेस करोगे तो आपको अब जीएसटी केवल 5% देना है, और अगर आपके पास अपना इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन है तो आपके ऊपर जो टैक्स पहले 18% था उसको भी 5% कर दिया गया। ठीक है, ये दो चेंजेस है। एक चेंजेस और है, आइए देखिए। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक बस में यात्रा करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक बस में यात्रा करते हैं और उस बस की कैपेसिटी 12 लोगों से ज्यादा है तो आपके टिकट पर जीएसटी का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। राइट नाउ, अगर आज की हम बात करें, आप चाहे आज बस से यात्रा करते हो, चाहे ट्रेन से, चाहे एयरक्राफ्ट से, आपके ऊपर जीएसटी लगता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्हीकल में ट्रैवलिंग कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 12% से ऊपर है और जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आपके टिकट पे अब जीएसटी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो मैंने आपसे बोला था कि 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में, और इसकी हेड कौन होते हैं? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। जीएसटी काउंसिल का वर्क क्या होता है? तो टैक्सेस में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो ये सब जीएसटी काउंसिल काम करती है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, भावनाओं को समझ जाओ इतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे छोड़ते हैं आपको। वेयर वॉज द 30th समर यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 हेल्ड? तो 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। रॉक माइकल बता रहे हैं कि टीवीएस अपाचे 200cc पहली हमारे देश में ग्रीन व्हीकल लॉन्च हुई है। जी हां बिल्कुल। चलिए आंसर दें, क्या इसका आंसर है? जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर वॉज द 30th समर यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 हिल। ध्यान रहे आज एमसीक्यूज भी है लास्ट में, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्या है इसका आंसर? और अमन त्रिपाठी बोल रहे हैं एक, अंकित एस बोल रहे हैं वन, क्या बैंकॉक कौन बोल रहा है जी? रीस टू अंशुल, भाई पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़ा सा। भुवनेश्वरी बोल रही है ठीक है थ्री। इसका आंसर होगा नापोली इटली, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट की, और अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इसकी अपॉइंटमेंट की। बद्री नारायण, इनका नाम देखिए, बद्री नारायण। ठीक है, तो अगर हम बद्री नारायण की बात करें तो बद्री नारायण किस पॉइंट पर अपॉइंट हुए हैं? बद्री नारायण की बात करें तो बद्री नारायण शर्मा री अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, इसका काम क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बद्री नारायण को 2 साल के लिए फिर से अपॉइंट कर दिया गया है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का चेयरपर्सन। ठीक है, बद्री नारायण शर्मा नाम आपको याद रहेगा। हम आगे बढ़े और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीअपॉइंटेड बद्री नारायण शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA। इसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? NAA। तो NAA के चेयरपर्सन बन गए हैं, दोबारा से ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, 2 साल के लिए। इनका टेन्योर कितना रहेगा? इनका टेन्योर 2 ईयर्स रहेगा, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये NAA है क्या, ये काम क्या करता है, हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इसको सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के तहत बनाया गया है NAA को। इसका काम क्या है, देखो, इट हैज द पावर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी एंटिटी बिजनेसेस इफ इट फेल्स टू पास ऑन टू कंज्यूमर द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्सेस अंडर द जीएसटी रेगिंग। मतलब कि इनके पास पावर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी, हम उससे कस्टमर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी रेट ऑलरेडी कम किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल, इस मोबाइल पर पहले जीएसटी था 18%, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 5% कर दिया है। ठीक है, 5% कम कर दिया है, लेकिन अभी भी वो कंपनी जो है वो हमसे 12% का ही जीएसटी ले रही है। तो NAA के पास पावर है कि वो उसका उस कंपनी को खत्म कर सकता है, लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो बेसिकली कस्टमर को फायदा हो जीएसटी के अंतर्गत, ये इसका काम होता है। आई थिंक कि आप लोग भावनाएं समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, और देख लीजिए यहां पर, तो करेंटली NAA में 3 मेंबर हैं।
इंक्लूडिंग जेसी चौहान, जेसी चौहान, इसके बाद कौन, इसके बाद आपको देखिए आर भाग्य देवी और अमानत शाह, तीन लोग हैं, तो हमने इसका नाम भी आपको दे दिया है, तो हमारे पीडीएफ में होगा, एक बार नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, और नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज भी अपॉइंटमेंट पर है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह विल बी द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जो है, इन्हें नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अपॉइंट किया गया। तो आइए देखते हैं कि ये किसको रिप्लेस करेंगे और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो अभी आपको परमजीत सिंह का नाम याद रखना है, जो कि डीजीएमओ के हेड बन गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो हम परमजीत सिंह की बात कर रहे हैं, तो परमजीत सिंह की बात करें, ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बन गए हैं ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। क्यों, देखिए ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ही विल सक्सीड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये अनिल चौहान को रिप्लेस करेंगे। तो अनिल चौहान कहां चले गए, अनिल चौहान की बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड। तो अनिल चौहान की बात करें, ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड बन गए हैं, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने को रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये बताओ मुझे कि एमएम नरावने कहां गए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए कि ये एमएम नरावने कौन है, हैं कौन ये। तो एमएम नरावने जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड थे, ये पहले थे, ये कहीं चले गए, कहां चले गए वो आप बताएंगे। तो अनिल चौहान यहां अपॉइंट हो गए। आंसर सोनाल बोले रिटायर्ड, बहुत मार खाओगे। एमएम नरावने डीजीएमओ आर्मी इंडिया, एमएम नरावने कहां गए मुझे ये बताओ, कहानी नहीं जी। अरे भगवान, एयर स्टाफ थोड़ी ना। हाँ देखो, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट वाइस चीफ, नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो एमएम नरावने क्या बन गए हैं, नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। मैंने ही पढ़ाया यार, कैसी बातें तुम लोग करते हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही आजकल तुम लोग की। तो ये मालूम चल गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपको इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो इंडियन आर्मी को 1895 में फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक। कौन सा कलर होता है कोटेशन में इंडियन आर्मी के, तो गोल्ड रेड एंड ब्लैक। 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कमांडिंग इन चीफ है, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एंड वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावने बन गए। मनोज मुकुंद नरावने ने देशराज अंबू को रिप्लेस किया था, मैं ये भी पढ़ा चुका हूं आपको सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपॉइंटमेंट में नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर वीके जौहरी, वीके जौहरी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट बीएसएफ डीजी। तो बीएसएफ के अगले महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल कौन होगा, वीके जौहरी। यानी वीके जौहरी अब अपना जौहर दिखाएंगे बॉर्डर पे, ऐसे आपको याद करना है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने रिप्लेस रजनीकांत जो किया है, रजनीकांत, रजनीकांत याद रहेगा ना, वीके जौहरी। तो वीके जौहरी जो है ये बीएसएफ के हेड बन गए, ये रजनीकांत जी को रिप्लेस करेंगे। आईएएस के बारे में इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आईपीएस ऑफिसर वीके जौहरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, जौहरी जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। ही विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ द बीएसएफ फ्रॉम रजनीकांत मिश्रा जी। तो रजनीकांत मिश्रा जी को ये रिप्लेस करेंगे, ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो हमने बात कर ली जौहरी जी की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मोटो, तो मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, एक मोटो है। 1 दिसंबर 1965 आफ्टर पाकिस्तान वॉर, ये एक नीड हुई कि बीएसएफ होना चाहिए, तो बीएसएफ बना। तो 1965 को बीएसएफ बना, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अमित शाह जो है, अमित शाह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, अमित शाह के अंतर्गत मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत बीएसएफ आता है, ये भी समझ लीजिए। वीके जौहरी अभी बन गए डायरेक्टर जनरल, और पेरेंट एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो ये आप क्लियर होगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन, Who has been given an additional charge as secretary to the Ministry of Textile recently? शायद ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। आंसर फास्ट,
मीनाक्षी बेटा रिवीजन ही तो है ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में, रिवीजन ही है। चलिए आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, जल्दी से आंसर दो फटाक से, बहुत लेट हो रहा है आंसर में। और सराना ने बोला है रविंद्र, ठीक है रविंद्र पनवर, ठीक है और देख लेते हैं। कविता बोल रही है एक ही दशमाना, अच्छा कुछ भी, रविंद्र पनवर आंसर इज रविंद्र पनवर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। याद कर लो सारे पॉइंट, तुम लोग बहुत मार खाने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आप लोग का फेवरेट टॉपिक स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं। यूथ आप में से कौन है, मतलब है तो आप लोग भी यूथ यार, लेकिन मतलब इसमें जो होता है ना बेटा अंडर 21 तक ही मैक्सिमम है, तो अंशुल पांडे देख लो तुम्हारे लिए गेम है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी असम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थर्ड एडिशन ये 2020 में कहां पर होगा, गुवाहाटी असम में होगा। पहला कहां हुआ था, न्यू दिल्ली में, दूसरा कहां हुआ था, पुणे में, तीसरा कहां होगा देख लीजिए गुवाहाटी में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्फॉर्म दैट थर्ड एडिशन, देखो ये मत भूलना बेटा थर्ड एडिशन, तो थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी असम फ्रॉम जनवरी। देखो ये हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में होता है, पहला दिल्ली में हुआ, दूसरा पुणे में हुआ, तीसरा कहां पर होगा, गुवाहाटी में होगा। आपके सामने इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर ले तो ये जो यूथ गेम्स ये जो होगा, मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड असम एज ए होस्ट स्टेट तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। देखो द इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, मतलब पहला एडिशन कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में, पुणे में दूसरा एडिशन हुआ था, तीसरा कहां पर होगा, गुवाहाटी असम, तो ये हमको मालूम चले गया है, ठीक है। आगे देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये जो गेम्स है ये अंडर 17, आप देखिए तो ये अंडर 17 स्टूडेंट और अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट के बीच, मतलब उनका अपना अलग अलग होता है। एक बार फिर से हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पर, स्लाइड थोड़ी हमारी नाराज चल रही है हमसे आज। देखिए तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी, तो अंडर 17 और अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट के बीच में, मतलब बीच का मतलब क्या है, इनका अलग गेम होता है, इनका अलग गेम होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और देख लीजिए 1000 बेस्ट किड्स को यहां पे चुना जाता है और इनको 500000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है 8 सालों के लिए, तो 500000 स्कॉलरशिप अगले 8 सालों के लिए, ये भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। पीडीएफ में हालांकि सब कुछ रहेगा, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मैक्स वेस्टेपन क्लिंचेस जर्मन ग्रैंड प्रिक्स, तो जर्मन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, मतलब फॉर्मूला 1 कार रेस की बात कर रहे हैं, कल आपके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ये बात हो रही थी, तो मैक्स वेस्टपन ने जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। आइए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। रेडबुल की कार चलाते हैं मैक्स वेस्टपन, जिन्होंने जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, ये ध्यान देना। इस पूरे सीजन में वेस्टपन का ये दूसरा जीत है, कैसे दूसरी जीत है हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए यहां पर देखिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूला 1 रेस एंड विनर, हम उसकी बात करें, पूरे साल में जितने भी इवेंट हुए हम उसकी बात करें। जर्मन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टपन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एम वेस्टपन, वेस्टपन देखो दो हो गया ना यहां पर, दो हो गया। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, कैनेडियन लुइस हैमिल्टन, ठीक है। उसके बाद मोनाको लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश लुइस हैमिल्टन, अजरबैजान वेल्टेरी बोटास, चाइनीज लुइस हैमिल्टन, बहरीन लुइस हैमिल्टन एंड ऑस्ट्रेलियन वेल्टेरी बोटास। तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन इस साल की ग्रैंड प्रिक्स की आपको दे दी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, और नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है बेटा, टूर डी फ्रांस साइकिल रेस की हम बात कर रहे हैं, और टूर डी फ्रांस की बात करें तो इगन बर्नल अभी तक के टूर डी फ्रांस के इतिहास के सबसे कम उम्र के विजेता, मात्र 22 साल के इगन बर्नल है, जिन्होंने टूर डी फ्रांस टाइटल अपना जीत लिया। पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया, पहली बार ये जीत गए। नाम क्या है, इगन बर्नल, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो इगन बर्नल जो है बिकेम द फर्स्ट कोलंबियन, यानी ये कोलंबिया के खिलाड़ी है, फर्स्ट कोलंबियन टू विन द टूर डी फ्रांस विच फिनिश्ड इन पेरिस फ्रांस, पेरिस में ये हुआ और इगन बर्नल ने इसमें जीत हासिल की। ये पहले कोलंबियन है, मतलब कोलंबिया के ये खिलाड़ी है, ठीक है। देखिए इन्होंने गैरेंट थॉमस जो कि मतलब लास्ट ईयर के विजेता थे,
जो कि लास्ट ईयर के विजेता थे गैरेन थॉमस, उनको हराया, ठीक। तो ही बीट द डिफेंडिंग चैंपियन मिस्टर गैरेन थॉमस ऑफ ब्रिटेन बाय 1:11। तो नाम याद करिएगा, टूर डी फ्रांस से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये काफी बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर एक पॉइंट और है, द 22-year-old बर्नल हैज ऑल्सो बिकम द यंगेस्ट राइडर टू विन द रेस इन 110 years। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे छोड़ते हैं आपको। हु वॉन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड गोल्डन बूट अवार्ड इन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2019 और 8th एडिशन ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो आपको पता है कि 8th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन वर्ल्ड कप इस बार फ्रांस में हुआ, जिसमें यूएस जीता। तो फीफा गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला, ये आपसे पूछा गया, आंसर दीजिए। श्रीकांत जी, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अभी ये क्लास खत्म होगी, 10:00 पर क्लास हमारी शुरू होगी, उसे ज्वाइन करिए आप और आंसर दीजिए जो मैंने आपसे आंसर पूछा है ये क्वेश्चन का, जल्दी से, फटाक से जल्दी। मुगल बनर्जी, थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर क्या होगा। और अर्पित बोल रहे हैं एलेक्स मॉर्गन ऑप्शन नंबर 3, क्या ये सही आंसर है। और देख लें, सिन्नी सिन्ना बोल रहे एलेक्स मॉर्गन, सोना बोल रहे एलेक्स मॉर्गन, और रॉक माइकल बोले हैं मैगन रैपिंस, क्या इसका आंसर होगा। एसएससी टॉपर बोल रहे हैं नहीं पता है, एंड द राइट आंसर इज मैगन रैपिंस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एक ने शुरू किया, सब पीछे पीछे आए, एलेक्स मॉर्गन, ठीक है। दयाल सिंह बोल रहे हैं हिंदी, एक्चुअली इसके पहले जब हम लोग काम करते थे तो हमारे पास पूरी टीम हुआ करती थी, ट्रांसलेशन के लिए अलग टीम, स्लाइड के लिए अलग टीम, कंटेंट के लिए अलग टीम, लेकिन अब जो काम होता है वो हम अकेले करते हैं, मतलब कंटेंट भी हमें बनाना है, ट्रांसलेशन भी हमें करना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। दयाल सिंह, आपकी बातें सर आंखों पर, और हम देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं दयाल, मैं बोलता हूं बेटा हिंदी में, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए अब कमेटीज पर बात करेंगे, कमेटीज पर कौन सी न्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए, आपको पता है कि भारत ऐसा देश है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, लेकिन जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो हमारे पास मेडल बड़े कम आते हैं। तो मेडल कम क्यों आते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडियन स्क्वाड की फॉर 2020 ओलंपिक एंड 2024 ओलंपिक, इसके लिए किरण रिजिजू ने अपने चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। किरण रिजिजू कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो इन्होंने अपने चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 10 मेंबर होंगे, देख लो 2020 एंड 24 ओलंपिक के लिए। आइए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे, देखिए कौन है ये। रॉक माइकल बोल रहे हैं आप ग्रेट महात्मा है, मैं महात्मा बिल्कुल नहीं हूं, अरे महात्मा से तुलना हमारी मत करिए, हर इंसान बहुत बुरा होता है, उसका एक बुरा भी एक जगह होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, तो हाई लेवल 10 मेंबर कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किरण रिजिजू, मतलब कि एक कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू, ठीक है। और इसमें इस कमेटी का वर्क क्या है, कोऑर्डिनेट करना, स्ट्रेटजी बनाना फॉर द प्रिपरेशन फॉर द 2020 एंड 2024 ओलंपिक, ठीक है। तो ये बात मालूम चल गई आपको, ठीक। देखिए अब इस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, तो कुछ बात मैं आपको बता दूं, देखिए इस कमेटी मेंबर कौन कौन है, तो क्लियंडर पेस मेंबर है, टेनिस स्टार आपको मालूम है, गगन नारंग शूटर ये भी मालूम है ना, राधे श्याम झुलनिया ये कौन है, तो ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक। और देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर नरेंद्र बत्रा ये भी देख लीजिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर राजीव मेहता ये भी मेंबर है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एथलेटिक फेडरेशन मिस्टर अदील सुमरी वाला, ठीक है, एंड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ अजय सिंह, तो अजय सिंह भी है यहां पर, आप देख सकते हैं अजय सिंह का नाम, ठीक है, तो अजय सिंह भी है, तो ये लोग कमेटी में मेंबर होंगे। तो कमेटी में मेंबर का नाम और कमेटी को लीड कौन कर रहा है और कमेटी क्या काम करेगी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी बनाना, कोऑर्डिनेशन करना 2020 में 2024 के ओलंपिक में इंडिया का मेडल लिस्ट थोड़ा बढ़े, यही काम इनका है। तो ये भावनाओं को समझने वाली बात है। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री फॉर्म अ 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए
क्या करना चाहिए इसके लिए, इसमें से किसने एक कमेटी बनाई है, यह आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपका है। रॉक माइकल थैंक यू सो मच। हाँ रीच टू अंशुल टोक्यो में होगा 2020 का ओलंपिक, बिल्कुल सही। आंसर दे फास्ट। और पल्लवी बोल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तपन रे इसके हेड होंगे, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है बेटा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है, तपन रे इसके चीफ होंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं, और अवार्ड एंड ऑनर में हम बात करेंगे सुदर्शन पटनायक की। इनका नाम तो पता ही होगा आपको। देखिए सुदर्शन पटनायक विंस पीपल्स च्वाइस अवार्ड इन द यूएस। तो सुदर्शन पटनायक ने यूएस में पीपल्स च्वाइस अवार्ड, ये अवार्ड जीता। आइए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए तो इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट, बालू के कलाकार हैं ये, पद्मश्री वेता हैं सुदर्शन पटनायक, इनको पीपल्स चॉइस प्राइज मिला है बोस्टन इंटरनेशनल सैंड आर्ट चैंपियनशिप इन द यूएस। यानी बोस्टन कहां पे है, तो बोस्टन कहां पे है यूएस में, देख लीजिए तो बोस्टन इंटरनेशनल सैंड आर्ट चैंपियनशिप में पीपल्स चॉइस प्राइज मिला है पद्मश्री ऑनर, पद्मश्री वेता मिस्टर सुदर्शन पटनायक को। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया, ठीक है आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो पटनायक के बारे में बात करें तो पटनायक वॉज अमंग द 15 टॉप सैंड आर्टिस्ट। तो पूरे विश्व से 15 टॉप सैंड आर्टिस्ट चुने गए थे, उसमें से सुदर्शन पटनायक भी थे। और इनको क्या किया गया, इनको कौन सा अवार्ड मिला, ये तो आपको मालूम है, इसमें और कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सुदर्शन पटनायक ने जो इमेज बनाई थी, जो मूर्ति बनाई थी, उसकी थीम क्या थी, स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन सेव आवर ओशियन, ये मैसेज था उनके जो भी उन्होंने डिजाइन बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है बस, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे छोड़ते हैं आपको। विच डांसर वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 अंडर द कैटेगरी कथक ऑन 6 फरवरी 2019। फरवरी का ये क्वेश्चन है, हो सकता हो कि आपके लिए थोड़ा टफ पड़े, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। आंसर फास्ट रेस टू अंशुल बताओ, 9:37 अभी हुए हैं, आंसर फास्ट जल्दी आंसर दीजिए। एलन धोनी देवी कौन बोला है कमेंट की आंसर, अच्छा मतलब तो अंधेरे में तीर, जय जैसे करो जय बजरंग बली, देखो क्या आंसर था। आंसर है शोभा कोश्यप, बहुत सारे बच्चों ने दिया, अभी पल्लवी ने दिया है, देवेंद्र ने दिया है, रीस टू अंशुल ने दिया है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अच्छा है याद है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं एमओयूज की बात करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत। देखिए इसको ऐसे मत पढ़िए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आयुष्मान भारत जो ये योजना है भारत सरकार की, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख रुपए का, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ये मत पढ़िए, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, हम इसके आगे बढ़ते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेशनल हेल्थ एजेंसी क्या है बेटा, ये आयुष्मान भारत की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो नेशनल हेल्थ एजेंसी का एमओयू साइन हुआ है किसके साथ, हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम नेट हेल्थ बोलते हैं, ठीक है देख लीजिए फिर से देख लीजिए एक बार। तो अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ एजेंसी, तो नेशनल हेल्थ एजेंसी हमारे देश में आयुष्मान भारत स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसका एक एमओयू हुआ है हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। एमओयू क्यों हुआ है तो देख लीजिए, देखिए भारत सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का पर एनम हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। अब ये जो इंश्योरेंस है ये भारत सरकार का है, और आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के सिस्टम में बहुत सारी चीजें इनोवेटिव नहीं होती हैं, पुराने ढर्रे पे काम होता है। तो इस पुराने ढर्रे खत्म करने के लिए, इनोवेटिव तरीका लाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम में यह एग्रीमेंट हुआ है। भावनाओं को समझिए, नया तरीका लाने के लिए आयुष्मान भारत मतलब कि नेशनल हेल्थ एजेंसी और हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट वही है जो आप देख रहे हो, ये पूरे पॉइंट वही है, तो आपको और ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को ध्यान दीजिए केवल, ठीक है हम आगे बढ़े। देखिए यहां पर आयुष्मान भारत के बारे में आपको बताया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना बोलिए या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलिए या फिर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बोलिए, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। नेशनल हेल्थ एजेंसी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। और अगर हम बात करें देखिए तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी केयर देने के लिए ये स्कीम बनी है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है, मेरे पैर में दर्द है,
मैं किसी डॉक्टर के पास चला गया, वो प्राइमरी केयर कहलाता है। अब डॉक्टर ने बोला कि नहीं तुम्हारे हड्डी में प्रॉब्लम है, तुम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओ। अगर मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा तो हम सेकेंडरी बोलते हैं उसे। अब स्पेशलिस्ट ने बोला तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये टर्शरी केयर हो गया। तो तीनों तरह के जो ये इलाज है उसे कवर किया गया है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है आपको, पता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इंदू भूषण इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डॉक्टर दिनेश अरोड़ा एज द डिप्टी सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत योजना। ये दोनों नाम भी आपको लर्न होने चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफेंस में एक पॉइंट की बात करते हैं, हालांकि मुझे लग रहा कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको ये पॉइंट। देखिए, द फर्स्ट बैच ऑफ बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर रीचेस इंडिया। इंडिया ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था बोइंग को, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर इंडिया में आ चुके हैं, वही इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। बोइंग कंपनी ये अपाचे हेलीकॉप्टर बनाती है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट बैच ऑफ बोइंग AH-64E अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर ये हिंडौन एयरबेस में आ गए हैं, हिंडौन एयरबेस गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में, ठीक। पहले 4 आ चुके हैं, 22 का हमने ऑर्डर दिया था, पहले 4 आ चुके हैं, 22 का हमने ऑर्डर दिया था, इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आपको, ठीक है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोइंग कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो बोइंग कंपनी जो इंडस्ट्री है ये एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री है। July 15, 1916 को इसे फाउंड किया गया था, फाउंडर थे विलियम बोइंग, ठीक है। और आगे देखें, बोइंग कंपनी की बात करें, हेडक्वार्टर कहां पे है, शिकागो में है, यूएस में है, ठीक है। एरिया सब पूरे वर्ल्ड में इनके सर्विसेज दी जाती हैं। और राइट नाउ बोइंग के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, डेनिस मुलनबर्ग है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन, नेम द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाई DRDO इन पोखरण। तो आपको थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब वो मिसाइल जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाएगा या किसी मतलब क्राफ्ट से, जो कि एंटी टैंक मतलब टैंकों को खत्म करने के लिए बनाया गया है, तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चिनूक भी यूएस से ही था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। एंड राइट आंसर इज नाग मिसाइल, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नाग मिसाइल इज राइट आंसर। चलिए अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करेंगे। एक्स्ट्रा हाईलाइट में पहला न्यूज आपके लिए, गिरीश बाबट, देख लीजिए नाम, यहां पर नाम इनका क्या है, गिरीश बाबट अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है गिरीश बाबट को। इनका अपॉइंटमेंट हमारे देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया है। तो ओम बिरला जी ने गिरीश बाबट को एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन बनाया है। ये एस्टीमेट कमेटी क्या काम करती है, नामी एस्टीमेट, देखिए एस्टीमेट कमेटी इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। पहली कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, दूसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और तीसरी थी एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी नाम याद कर लीजिए, गिरीश बाबट, ठीक है, नाम याद होगा। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे न्यूज पर, देखिए मैरीकॉम की बात करें और सिमरनजीत कौर की बात करें, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता इन प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। मैरीकॉम एंड सिमरनजीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता। आइए देखिए, तो मैरीकॉम ने 51 केजी कैटेगरी में और सिमरनजीत कौर ने 60 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता इन 23rd प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन लबुआन बाजो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के लबुआन बाजो में प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रहा था, जहां पर मैरीकॉम ने, सिमरनजीत कौर ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। हालांकि इंडिया की बात करें तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल, इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते, 7 गोल्ड और 2 सिल्वर। इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते, 7 गोल्ड एंड 2 सिल्वर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे। चलिए न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, 5वां धर्म कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन राजगीर बिहार। तो राजगीर में 5वां धर्म सम्मेलन हुआ, इसको होस्ट किया हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ने। राजगीर कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। द 5th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर किरण रिजिजू। तो यह भी पॉइंट आपको लर्न करना है, यह भी हमने आपको बता दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर मिस्टर S. Jaipal Reddy पास्ड अवे। एस जयपाल रेड्डी मतलब ये पॉलिटिशियन थे, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है, एस जयपाल रेड्डी, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय मिस्टर डोनकूपर रॉय पास्ड अवे. ये भी एक पॉलिटिशियन थे, मेघालय के पूर्व के चीफ मिनिस्टर हैं. इनका नाम है डोनकूपर रॉय. इनका भी निधन हो गया है. मतलब ऑबिट्री से टू पॉइंट हमने आपको यहां पर एक्स्ट्रा हाईलाइट में एक्सप्लेन कर दिए. और देखिए कल की बात करें तो ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया. ग्लोबल टाइगर डे आपको यह भी पता है तो यह भी लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, न्यूज नंबर 7 की बात करते हैं. नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इनॉग्रेट इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट इन काठमांडू. तो इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट कहां हुई? काठमांडू में हुई. किसने इसका इनॉग्रेशन किया? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने किया. देख लीजिए काठमांडू, जो मैं आपको बोल रहा था ये पॉइंट आपको लर्न करना है. ठीक है, इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट कहां पर हुई? काठमांडू में. इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक लैंडस्केप. ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक लैंडस्केप, तो यह भी हमने आपको बता दिया. चलिए न्यूज नंबर 8 की बात करते हैं. तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस. इकोनॉमिक सेंसस भी 5 साल में होता है एक बार. ठीक है, तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस बिगिन इन फ्रॉम त्रिपुरा. तो त्रिपुरा से इकोनॉमिक सेंसस की शुरुआत हो चुकी है, यह इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है. देख लीजिए त्रिपुरा. और अगर हम बात करें तो अगस्त एंड सेप्टेंबर में यह हमारे देश के अलग अलग स्टेट और यूटी में शुरू हो जाएगा. कहां से शुरू हुआ? त्रिपुरा से. कौन सा इकोनॉमिक सर्वे? सेवेंथ. यह भी पॉइंट आपको लर्न करना है. ठीक है, देखिए द सेंसस कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस सर्वे को करती है और 5 साल के गैप पर करती है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है. ठीक है, और दिसंबर द फील्ड वर्क इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय दिसंबर एंड द रिजल्ट एट द नेशनल लेवल आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल बाय मार्च 2020. मतलब दिसंबर तक पूरा सर्वे हो जाएगा और मार्च 2020 तक रिजल्ट भी इसका आ जाएगा. आइए न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं. वेटरन स्टार मेरिल स्ट्रिप विल बी ऑनर्ड ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड एट द 2019 इन 44th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. तो 44वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरिल स्ट्रिप को ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. तो यह भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, यह भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो 9 एक्स्ट्रा के पॉइंट थे. अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे. पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द रशियन नेवी डे परेड. आंसर दें पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपके सामने और आंसर करना आपको है जल्दी जल्दी. रामा दुबे थैंक यू सो मच. और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर आपको देना है. व्हाट इज द आंसर? और यहां पे पल्लवी बोल रही है तर्कश, और वीरेन तर्कश बोल रहे हैं क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज आईएनएस तर्कश. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द हाइएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव सो फार इन फाइनेंशियल ईयर 19 इन इंडिया. यानी कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट सब मिला जुला के, तो पूरे इंडिया में वो कौन सा एम्प्लॉई है, एग्जीक्यूटिव है, जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है इस समय? ठीक है, एक कंपनी है HEG, उसके ये CEO है, नाम बताइए. नाजिर अली बेटा, टाइम 7:30 AM या 7 AM मॉर्निंग में हो जाएगा. मैंने बात की है, बात चल रही है, देखिए क्या होता है. हो जाएगा, जैसे जहां तक है थोड़ा टाइम आगे हो जाएगा. एंड द राइट आंसर इज रेस्टोरेंट शुड. गलत जवाब. एंड द राइट आंसर इज रवि झुंझुनवाला. मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो रवि झुंझुनवाला, ये HEG नाम की कंपनी के एम्प्लॉई है रवि झुंझुनवाला. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिस स्टेट लॉन्च अ स्टेट वाइड ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रिसेंटली. मैं आपको पढ़ा चुका हूं हमारे PDF में, संडे को भी मैंने PDF आपको दिया था. जब पहले हम लोग क्लास करते थे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो आपकी शिकायत होती थी कि सर शनिवार की या रविवार की न्यूज हमसे मिस हो जाती है. लेकिन संडे को भी आपको उसी पैटर्न पे PDF दिया गया था, अगर आप पढ़ोगे तो उसका आंसर दे देंगे. आंसर आंसर आंसर. और आंसर क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which social network has partnered with the Niti Aayog to promote women entrepreneurship? Anshul, क्या आंसर TikTok होगा? जरा बताओ मुझे.
नीरज शर्मा प्लस कोर्स पे एसबीआई मेंस क्रैश कोर्स बेटा और भी जबरदस्त फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। अभी तो मेरी क्लास 5 अगस्त से शुरू होने वाली है। आंसर स्वाति बोल रही है व्हाट्सएप। नायक जी लेट हो गए आज, चलिए कोई बात नहीं। आंसर इज व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है भुवनेश्वरी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां पीडीएफ सारे मिलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इनवाइटेड टू 32nd इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी इन प्राग 2020। कारगिल वॉर के हीरो हैं ये, इनको बुलाया गया है। आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ठीक हो गया चलिए, हाँ ठीक हो गया। चलो तो आंसर इज समीर रावत इज राइट आंसर। ठीक है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दिस कंपनी हैज साइंड एन एमओयू फॉर एयरक्राफ्ट सर्विलियंस ओवर द इंडियन ओशियन। आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। आंसर and the right answer is Aaron, option number D is right answer। ठीक है टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास भी नहीं है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्टेशन सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ 962 डे रिसेंटली। वो कौन सा एटॉमिक स्टेशन है जिसने कॉन्टिन्यूअसली 962 दिन तक काम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आंसर आदित्य, संडे को पीडीएफ मैंने दिया था बेटा, पीडीएफ में शायद पहली ही न्यूज थी, पूरा पढ़ना ध्यान से, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है। एंड द राइट आंसर इज कैगा एटॉमिक एनर्जी स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व 28 जुलाई एवरी ईयर एस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, द थीम फॉर 2019 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज। तो 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार की थीम क्या थी ये आपसे पूछी गई है, आंसर दीजिए इस बार की थीम क्या थी। आंसर फास्ट, अभी आपकी क्लास है 10 o'clock पर, तो जो बच्चे मतलब इसमें करंट अफेयर्स भी है, बैंकिंग भी है, स्टैटिक के भी क्वेश्चंस हैं, एक रिवीजन है सारे बच्चों के लिए जो कि LIC ATO या SBI क्लर्क का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। And the right answer is invest in eliminating hepatitis. Option number B is right answer. Option number B is right answer. ठीक है. Next question. Center means central government has approved a 5-year project deep ocean mission with the cost of how much? तो भारत सरकार ने एक मिशन को अप्रूवल दिया है, इसका नाम होगा डीप ओशियन मिशन, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है ये आपसे पूछी गई है, 5 साल की स्कीम है ये। बेबी जी कल का पीडीएफ मैं दे चुका हूं ग्रुप पर पहले ही। आंसर प्लीज। रिस्ट्रंशल बोल रहा है 8000 करोड़। अच्छा और देख लें, और देख लें, तुम लोग पढ़कर नहीं आए हो क्या जी। एंड राइट आंसर इज 8000 करोड़। एक प्रियंका ठीक है सही है, नाजिर अली सही है, गुरु सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2020 विल बी होस्टेड इन दिस कंट्री, इज़राइल और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और USA। आंसर एंड द राइट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name the medium range ballistic missile which was test launched by Iran recently. तो ईरान ने अभी एक मिसाइल का परीक्षण किया जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, उसका नाम बताना है आपको। ईरान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम बताइए, नाम क्या है इसका? यस्टरडे क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेट इश्यूज, उसकी पीडीएफ ग्रुप पर मैंने दे दी थी, ठीक है। और आज आपको आंसर करना है क्या इसका आंसर होगा। हाँ आदित्य, हर साल में तीन बार होता है, पहला जो हुआ साल का वो इंडिया में होगा। एंड राइट आंसर इज शहाब थ्री, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फतेह पहले हुआ था, फतेह पहले हुआ था, अभी शहाब हुआ थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 विच इज लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू। यानी आपको उस ऑथर का नाम बताना है जिसने एक बुक लिखी है न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, जिसको कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। वाशुली ठीक है बेटा समझ गया, चलिए आंसर दीजिए। नरेंद्र रिस्टोंशल बोल रहे हैं नरेंद्र जाधव ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है? डॉक्टर नरेंद्र जाधव ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अरब नेशन विच लॉन्च इट फर्स्ट अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम रिसेंटली। उस अरब कंट्री का नाम बताइए जिसने अपने देश में पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम लॉन्च किया है। जॉर्डन, मोरक्को, लीबिया, कतर। आंसर जल्दी से आंसर करो, जल्दी फटाफट। रिस्टोंशल जॉर्डन बोल रहे हैं, पुनीता जॉर्डन बोल रही हैं, एंड द राइट आंसर इज जॉर्डन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कमेटी अधीर रंजन चौधरी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अधीर रंजन चौधरी को किस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने चार है, आंसर दीजिए। पीएसी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पीडिया हैज बीन लॉन्च बाय विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी पीडिया नाम का एक इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया गया है, किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके शनिवार के भी हैं इसमें, ठीक है। And the right answer is CISF, Central Industrial Security Force. ठीक है. Next question. Nicolas Basilas Havili, बड़ा थोड़ा टफ नाम है. Wins the German Tennis Championship. He belonged to the country of. किस कंट्री से belong करते हैं? Nicolas Basilashvili जो है ये इन्होंने जर्मन टेनिस चैंपियनशिप जीती है, ये किस कंट्री से belong करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। What is the right answer, guys? And the right answer is Georgia, option number A. Option number A is right answer. ठीक है, very good. चलिए, तो ये था हमारा session आज का. Thank you so much, guys, for your support. And आप लोग आए, आपने पूरा पढ़ा. अभी 10 to 11 AM हम बात करेंगे फिर से अपना एक session जो कि basically SBI clerical और LIC IDO के लिए होगा. तो देखिए session को, enjoy करिए. मिलते हैं आपसे, अभी तुरंत मिलना है, ठीक है, 2 मिनट में मिलना है. तब से नाश्ता वास्ता कर लो, आते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए और कभी भूलिएगा नहीं, जिद है तो जिद है. एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, कभी किसी के साथ गलत मत करिए, आपके साथ गलत नहीं होगा. जो भी आपने सपने देखे हैं उसे पूरा तो करना पड़ेगा, और पूरा करने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी. आपको एक जिंदगी जीनी पड़ेगी, वो जिंदगी जो कि आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर जीनी पड़ेगी. आपको अपने दोस्तों यारों को छोड़ना पड़ेगा, सखी सहेलियों को छोड़ना पड़ेगा, आपको नागिन सीरियल या व्हाटएवर जो भी सीरियल आप देखते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, आईपीएल वर्ल्ड कप वो सब भी छोड़ना पड़ता है, शादी ब्याह भी छोड़ना, अपना नहीं मतलब कहीं आप जाते हो तो छोड़ना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं. त्याग करिए, त्याग से ही आप आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच गाइस.